हेलो एवरीवन, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में एक बहुत ही छोटा सा इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बोर्ड पे बना हुआ है और यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि ए और बी के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा, मतलब इक्वलेंट रेजिस्टेंस अगर ए और बी के क्रॉस नापा जाए, यहाँ से देखा जाए तो इस पूरे सर्किट का जो तुल्यात्मक प्रतिरोध है वो कितना होगा, आर ए बी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं यहाँ पे आपको इसको करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे अगर सबसे पहले हम लोग सर्किट देख लेते हैं, तो यहाँ पे चार रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जिनकी वैल्यू 10 ओम, 15 ओम, 8 ओम और 14 ओम है। अब क्या है कि कई लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने में एक जो ब्लंडर मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने यहाँ पे एक रास्ते से जोड़ रखा है। वो भी कैसा रास्ता है, डायरेक्ट शॉर्ट कर रखा है, ठीक। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक बन जाता है और यहाँ पे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं तो, ठीक। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आर ए बी क्या होता है। आर ए बी मतलब यहाँ और इसके क्रॉस अगर हम मल्टीमीटर लगाएं, रेजिस्टेंस नापे यहां से, तो इस पूरे सर्किट का इक्वलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा उसकी वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, 28 ओम, 14 ओम, 7 ओम, 24 ओम। इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने इससे पहले के वीडियो में करा रखा है, आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को देखना है प्रॉपर तरीके से कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे आप जब देखेंगे सही से तो यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को क्या किया गया है, एक डायरेक्ट ब्रांच से शॉर्ट किया गया है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका भाई मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है ये एक ही पॉइंट है। देखो इसको ऐसे डायरेक्ट जोड़ दिया गया, तो ये दोनों क्या हैं, सेम पॉइंट है। जैसे कि अगर आप यहां देखेंगे तो हम कहें बी या ई, ये भी क्या है, दोनों सेम पॉइंट है, ठीक है भाई। यहां भी क्या है, दोनों डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो ये भी क्या हो गए, सेम पॉइंट हो गए। अगर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जब देखा तो ए और डी ये क्या है, सेम पॉइंट। तो इसको हम लोग सॉल्व करते कैसे, ए और डी इसको एक साथ कर देंगे, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक। इसका नाम क्या है, ए और डी, क्योंकि दोनों शॉर्ट है, ठीक। इस सर्किट को हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कैसे ये बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करना, कैसे आपको यहाँ पे सीरीज पैरेलल कनेक्शन इजीली दिखने लगेंगे। ऐसे आप करने जाएंगे तो आप में भी हो सकते हैं, कई लोग इसको इसको सीरीज में कर ले, फिर इसके साथ पैरेलल में कर ले, फिर इसके साथ सीरीज में कर ले, और वहां पे कुछ उल्टा सीधा आंसर निकाल सकते हैं जो कि गलत होगा। यहाँ ए और डी क्या हो गया, सेम पॉइंट हो गया। इसके बाद एक पॉइंट क्या है, सी, भाई हम लिख लेंगे यहाँ पे सी पॉइंट है, और एक पॉइंट क्या है आपका, ई पॉइंट है, ये ई लिख लेंगे यहाँ पे, और एक पॉइंट क्या है, बी है, ये भी लिख लेंगे। देखो यही तरीका सॉल्व करने का, हमने क्या कर दिया कि कॉमन वाला जो है जो शॉर्ट है उसको एक साथ मर्ज कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक। ऐसे बी और ई भी क्या है, एक ही पॉइंट है, ये बी और ई क्या है, ये एक ही पॉइंट है, और ए और डी एक ही पॉइंट है। अब हम लोग रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, तो ए और सी के बीच में कितना लगा है आप बताओ, 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा, तो इसको लगा देंगे कितना लगा है, 10 ओम, ठीक। अब सी और डी के बीच में कितना लगा है, सी और डी के बीच में कितना लगा है, 15 ओम, तो इसको हम लोग यहां पे लगा देते हैं, ये कितना लगा है, 15 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक। अब डी और ई के बीच में कितना लगा है, 14 ओम, तो डी देख लेते हैं कहां पे, डी ये है और ई कहां है, ये है, तो डी और ई के बीच में कितना लगा है, 14 ओम, ठीक। अगला जो है सी और ई, सी और ई के बीच में कितना लगा है, 8 ओम, सी और ई के बीच कितना लगा है, 8 ओम, और इसके बाद ये बी और ई डायरेक्ट है, ये दोनों एक ही पॉइंट है, ऐसे ही मान सकते हैं या यहां पे लिख सकते हैं। अब देखो कितना आपके लिए आसान हो जाएगा, गलती होने के चांसेस अब एकदम ना के बराबर हो जाएंगे। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये एक करंट क्या होगी, इधर जाएगी, एक करंट क्या होगी, इधर जाएगी, ठीक। तो ये दोनों क्या है, पैरेलल में है ना, देखो 15 और 10 ये किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, क्योंकि करंट क्या हो रही, डिवाइड हो रही है। पहले आप देखते तो 15 और 10 पैरेलल में दिखाई देता है, शायद आप वहां पे कुछ अलग कर सकते थे, ठीक। तो 15 और 10 क्या हो गए, यहाँ पे पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं, 1/r =
वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। तो यहाँ पे वन अपॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ये 15 हो गया और ये कितना हो गया 1/10। इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे, 15 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यहाँ पे 30 एलसीएम हो जाएगा, 30 लिख लेंगे ठीक। 15 2 30 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और 10 3 30 तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो कितना आ जाएगा ये 1/r इक्वल टू आ जाएगा 5/30, तो कितना आ गया 1/6। तो r की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 6 ओम ठीक। क्लियर, यहां तक कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हटा करके एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 6 ओम का, क्योंकि हमने इन दोनों का इक्वलेंट निकाल लिया। तो मैं यहां पे ही कर देता हूं या फिर इसको अलग बना देता हूं डायग्राम। यहां पे इस डायग्राम को हमने सॉल्व कर लिया, क्या आ गया यहां पे एक 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, इन दोनों की जगह ये हमने यहां पे लिख दिया 6 ओम, यहां पे 8 ओम का लगा है। बाकी सर्किट के साथ हम कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, बाकी वैसे रहने देंगे ठीक। तो ऐसे ही सिंपल स्टेप बाय स्टेप इसको आपको सॉल्व करना है। आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा अब आपके लिए। अब आप यहां देखेंगे कि ये दोनों क्या है सीरीज में, देखो ये दोनों क्या है सीरीज में। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड होता है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करके यहां पे क्या लिख देंगे भाई, दोनों सीरीज में तो कितना हो गया 14 ओम, और ये दोनों 14 ओम हो गया। या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं हम लोग, ये कितना 14 ओम, और यहां पे हमने जो सॉल्व किया तो कितना आ गया ये 14 ओम। तो ये 14 ओम हो गया और ये कितना हो गया 14 ओम, ये हो गया ए और ये बी ठीक। अब यहां पे आप देखेंगे तो यहां से करंट फिर से डिवाइड हो रही है, तो 14 14 क्या है पैरेलल में। तो पैरेलल में सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको फिर से सेम फार्मूला 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यहां से 1/r इक्वल टू 1/14 प्लस 1/14, 14 हो जाएगा एलसीएम, यहां पे आ जाएगा 1+1 हो जाएगा 2/14, यहां पे आ जाएगा 1/7। यहां से कितना आ जाएगा ये 7 ओम ए और बी पॉइंट के क्रॉस ठीक। अब ए और बी के क्रॉस कितना रेजिस्टेंस आ गया 7 ओम, और आपको एग्जाम में यही पूछा गया था इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7 ओम। यहां पे राइट आंसर क्या है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, तो 7 ओम। कैसे सॉल्व किया एक बार मैं आपको इसको फिर से ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले ए और डी क्या है सेम है, क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट शॉर्ट कर रखा है। तो यहां पे हमने ए और डी को बना लिया एक साथ, फिर सी ई डी और बी ये सारे पॉइंट लिख लिए। अब इसके हिसाब से हम लोगों ने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिए। जब रेजिस्टेंस कनेक्ट किए तो हमने क्या देखा कि ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो पैरेलल में सॉल्व कर लिया। 15 और 10 को जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ओम। तो इन दोनों की जगह क्या लगा दिया 6 ओम का, बाकी का सर्किट वही रखा सेम। अब फिर क्या हुआ 6 और 8 क्या हो गया पैरेलल में हो गया, सीरीज में हो गया सॉरी। तो 6 8 सीरीज में होगा कितना हो गया 14, तो यहां पे 14 आ गया और ये वाला 14 यहां पे हो गया। 14 14 क्या हो गया पैरेलल में, और 14 और 14 का पैरेलल कितना आएगा 7। तो पूरा सर्किट एक सिंगल रेजिस्टेंस में निकल आया किसके क्रॉस, ए और बी के क्रॉस ठीक। तो यहां ए और बी से अगर रेजिस्टेंस देखेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस ए और बी के क्रॉस कितना आएगा 7 ओम, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताया गया ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सॉल्व करने का तरीका यही होता है, अगर हमें इधर से देखना है यहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना तो हमें सर्किट को पीछे से सॉल्व करना है, ये बेसिक्स है। इसको मैंने पुरानी वीडियोज में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा रखा है, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं कि कैसे इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। आई थिंक आपको मेरे द्वारा बताया गया ये एग्जाम्पल या ये पूरा कॉन्सेप्ट कैसे सीरीज पैरेलल सर्किट को सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।